इस पल को मैं रोक सकता हूँ क्या? शायद मेरे पास कोई ऐसे मशीन होती जो कि इस पल को मैं रोक देता कुछ और साल। या कॉलेज लाइफ अच्छी है, एंजॉय करो, यही टाइम है तुम्हारा। कॉलेज में दो बड़ी चीजें होती है जो सर नहीं बना पाया, एक गर्लफ्रेंड, दूसरी प्लेसमेंट। गाइस यहाँ बोलो तो अभी आपको पता है ये स्क्रबल डे है एंड सभी सीनियर से जा रहे हैं एंड वी डिसाइडेड टू शूट अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट विद फोर्थ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड नाउ मेरी अंग्रेजी खत्म और बस छोटी छोटी चीज़ें हैं। अंग्रेजी आती है यार, मुझे लगता है ना ये बीटेक डिग्री ना 10-12 साल की होनी चाहिए यार। लाइक हमारा कॉलेज कंप्लीट सा नहीं लग रहा, लाइक फेयरवेल है, स्क्रिबल डे वगैरह सब कुछ चल रहा है लेकिन फील नहीं हो रहा यार। लॉकडाउन में पता ही नहीं चल रहा कि हम 4 साल जी चुके हैं ये जिंदगी, ऐसा लग रहा है कि हम सेकंड ईयर में और ख़त्म हो रहा है सेकंड ईयर में बस। बाकी भाई एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था कॉलेज का, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सिखाया भी लोगों को। और डांस भी आपने काफ़ी अच्छा किया। हाँ यार, डांस तो यार मैंने कॉलेज में जिंदगी से पहले जिंदगी में कभी नहीं करा था, कॉलेज में आके ही करा। डांस की शुरुआत एक बगचोद मेरे को ले गया था डांस, लड़की देखने डांस ऑडिशन में, वो मैं वहाँ रह गया, वो वहाँ से निकल गया। कॉलेज डिग्री के लिए थोड़ी बनी है यार, कॉलेज तो यादों को कैद करने के लिए बनी है। अच्छा था, कुछ कम था क्योंकि कोरोना था तो 2 साल का एक्सपीरियंस अच्छा था, कम दोस्त बने पर अच्छे बने, लोडू बने सारे ये ऐसे ये देख लो, ये देख लो ऐसे दोस्त बने, अब क्या करें इनका। इंजीनियरिंग के ऊपर देखो क्या है सर, ये सर नहीं है मैडम है, आपको दिख नहीं रहा मैडम है। कैसा लगा मेरा मजाक? प्लेसमेंट टिप्स तो यही है बस, अपना कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दो, आता जाता चाहे ना हो, बस इंटरव्यू बनाना है, सीधी सी बात है। जो सर नहीं बना पाए आपकी प्लेसमेंट होगी ना? नहीं अभी नहीं हुई है पर हो जाएगी जल्दी, हमें ये उम्मीद है। बाकी यार यही है, कॉलेज लाइफ अच्छी है, एंजॉय करो, यही टाइम है तुम्हारा। में दो बड़ी चीजें होती है जो सर नहीं बना पाया, एक गर्लफ्रेंड, दूसरी प्लेसमेंट। पर ये सब मोह माया है, सिर्फ कहने की बात है, ठीक है? अपने दोस्त के साथ एंजॉय करो, यही टाइम है, इसके बाद नहीं मिलेगा, जॉब में चले जाओगे, ठीक है? पहले 2-3 साल है जिसमें एक्सप्लोर करो, जितने क्लब्स वगैरह में जाओगे मजे करो, की जरूरत नहीं है, इंजीनियरिंग है ये, लास्ट वाले 2 दिन पढ़ के अच्छी राइटिंग करके आप नंबर ले सकते हो। कैसा क्या कॉलेज लाइफ? कॉलेज एकदम सेक्सी था, 2 साल फकअप हुआ लेकिन अच्छा था, लास्ट में याद आएगा, तुम्हें भी याद आएगा, ये देखो। शायद आज पेन की शाही खत्म हो जाएगी 4 साल की यादें लिखते लिखते, बट एट द एंड दोस्त साथ है तो सब कुछ अच्छा। मैम आप कोई मतलब कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ जो आपके साथ मतलब वेयर्ड हुई हो कॉलेज में। वियर्ड यही है कि मेरे को लाइक पता नहीं था कि आज मैं ब्लॉग में आने वाली हूँ तो एकदम से मुझे ब्लॉग में मतलब अच्छी बात है। हाँ ये अच्छी बात है। नो मैं नहीं गाता था। ओवरऑल अच्छा रहा मैम, बहुत अच्छा। कुछ कहना चाहोगे अपने जूनियर को जो भी यहाँ आने वाले हैं? मतलब प्रिपेयर होके आना, आईसी से है जो, वो तो स्पेशली प्रिपेयर होके आना। मतलब किस तरह प्रिपेयर? मतलब प्रिपेयर मतलब बहुत कुछ सहने के लिए और बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। इनकी यादों को कैद करते करते ना मैं इमोशनल हो गया कि कल को अगर ये मेरा टाइम आएगा तो मैं किस तरह इस चीज़ को झेलूँगा, क्योंकि मुझे कॉलेज लाइफ बहुत पसंद है और मैं इसको इतना जीना चाहता हूँ, इतना जीना चाहता हूँ कि मेरे लिए कल के लिए कोई रिग्रेट ना रह जाए। चार साल के बाद यार सबको पता है कि कॉर्पोरेट लाइफ जीनी है, शायद वक्त मिला तो कभी कॉल कर पाएंगे, बट जो हम कॉलेज में रह के कर सकते थे ना वो शायद कॉलेज से बाहर नहीं कर पाएंगे। सो कॉलेज लाइफ जितना जी सकते हो ना उससे ज़्यादा जियो, जस्ट लीव नाउ, जी लो, 4 कमरे में बंद होके नहीं इस पूरे कैंपस में पागलपंती करो। अरे दीपक भाई। हाय दीपक। अरे दीपक। जैन मैम हेलो, गुड बाय सीनियर्स। आई शुड हैव नोन दैट वी कुड नेवर बी फ्रेंड्स। आई हियर यू जस्ट। अब जहां भी रहिएगा बस ऐसे ही अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहिएगा। आई शुड हैव नोन दैट वी कुड